From which country you come? Yeah, I'm from Nigeria, West Africa. Okay. How do you enjoy this festival? Yeah, I love the festival. So many sweet things about the festival. I know it's a big one. I actually enjoy traveling around the world and see new cultures. So I enjoy everything I see here today. Okay, thank you so much. देखिए छठ पर्व को लेकर अगर बात की जाए तो छठ पर्व आज से नहीं मनाया जाता, बल्कि छठ पर्व का जो जिक्र है वो हमारे वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी छठ पर्व के बारे में बताया जाता है। अगर हम बात करें त्रेता या द्वापर युग की तो उसमें भी छठ का जिक्र है। कलयुग में हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से छठ का उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा सेक्टर 45 से हूँ। और वंदना शर्मा, मैं प्रवासी महासंघ से जुड़ी हुई हूँ और सदस्य रूप में मैं यहाँ पे काम किया है। और इस घाट पे आके ऐसा लगा कि वाकई में आज इस बार मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लगा कि इतने श्रद्धालु लोग इतने सच्चे मन से इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। जिस ये पहला ऐसा पर्व है जहाँ पर उगते हुए सूरज से पहले ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्य जी की दो पत्नी थी जिसमें एक उगती हुई माता थी और एक ढलती हुई थी, तो उसी तरीके से उनको अर्घ दिया जाता है कि माता जो अस्त होती हैं उनको भी आप अर्घ देंगे तो उससे सूर्य देव प्रसन्न होंगे और फिर जो निकलते हुए सूर्य के साथ जो माता आती हैं उनको भी आप जल देंगे तब वो सूर्य जी प्रसन्न होंगे। तो इसी तरीके से दो पत्नियों के साथ साथ दो ये तीन चार दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, चार दिन का व्रत रखा जाता है। सुबह उगते हुए सूरज को जल देकर फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे और जैसे सूर्य भगवान उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे उसी तरीके से वो भी अपने व्रत को खोलेंगे। बिल्कुल, चार दिन का ये पर्व होता है, लोक आस्था का ये पर्व होता है और ये पर्व ऐसा होता है कि ना इसमें मंत्र बोले जाते हैं ना इसमें पुरोहित की जरूरत होती है क्योंकि लोक आस्था का पर्व है, हर कोई अपने तरीके से मनाता है। आज आपने छठी मैया से क्या मांगा? मैं प्रवासी महासंघ से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ सदस्यता के रूप में और जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु जैसे आते हैं तो सबको मतलब सेवादार बन के सबकी बहुत सपोर्ट करती हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए इसका जो प्रसाद होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। महिलाएं घर में ही इसको बनाती हैं और शुद्ध तरीके से ये बनाया जाता है, तो क्या क्या प्रसाद में शामिल होता है उसको भी जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। किस तरीके से प्रसाद बनाया जाता है? मैं दुर्गा शर्मा नोएडा सेक्टर 45 से हूँ। एक्चुअली मैं यूपी से हूँ। इतने भी पदार्थ होते हैं उनको लेते हैं, ये सब्जियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं और इनका ठिकुआ का मेन प्रसाद होता है, गुजिया होता है और खाजरा बोलते हैं वो भी ये लोग चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि अदरक को भी चढ़ाते हैं और गन्ना, यानी कि जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं ये लोग चढ़ाते हैं और जितना ये लोग चढ़ाते हैं ना उतना ये 3-4 दिन तक बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं, उसको एकदम त्याग देते हैं। और 36 घंटे का ये व्रत है। सच में छठी मैया की कृपा इतनी है कि इन लोगों के चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं होती है। हम लोग यानी कि एक दिन का व्रत रखने में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। सच में ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं भी इससे प्रभावित हूँ और कई सालों से इस पर्व से जुड़ी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इनका सहयोग भी करती हूँ और पूरा टाइम इनके साथ रहती हूँ। जय छठी मैया, जय छठी मैया। मैं तो ये कहती हूँ जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करती है वैसे हमारी भी करें और जय छठी मैया। तो सब अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए बाल गोपाल भी यहाँ पर घाट पर आए हैं, ये बाल गोपाल को लेकर आए हैं। बहुत ही भव्य रूप बाल गोपाल, भगवान कन्हैया का ये बाल रूप की ये तस्वीरें। और बाल गोपाल को बिल्कुल बच्चे की तरह ही माना जाता है। आजकल लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। आप अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं, बाल गोपाल को भी यहाँ पर लेकर आए हैं छठी मैया की पूजा करने के लिए। किस तरह का नज़ारा आपने यहाँ पर देखा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर्व के लिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ ये छठी मैया की पूजा देखने के लिए मैं आया हूँ। मुझे आप लोगों का सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ इस छठी मैया पे, क्योंकि मैं छठी मैया को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। देखिए वाकई ये जो पर्व है ये महापर्व है, लोक आस्था का ये पर्व है और सिर्फ हम
देखते थे कि एक समय में बिहार में पूरे धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया जाता था, पूर्वांचल में धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस पर्व को, इस उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्योंकि हमने कहानियों में भी सुना कि भगवान सूर्य देव के जो पुत्र थे कर्ण, वो लगभग 2 घंटे हर दिन पानी में रहते थे और भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे। इसके बाद ही वो महान योद्धा बने। यानी कि जितने भी वेद है उसमें छठी के बारे में बताया जाता है, सूर्य देव के बारे में बताया जाता है, और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। लोग इसे अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से इस परंपरा को निभाना है। जो हिंदुस्तान के लोग विदेशों में भी रहते हैं वो भी इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हैं, और इसी तरीके का नजारा पूरे 4 दिन तक देखने को मिलता है। पहले दिन नहाए खाए के साथ ये पर्व शुरू होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन अस्त होते सूर्य को इस दौरान अर्घ दिया जाता है जिसको अस्ताचल गामी कहा जाता है, और चौथे दिन जो उगते सूर्य हैं यानी कि भगवान भास्कर जब उदय होते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद प्रसाद वितरित होता है। इस दौरान 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। तमाम महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, तमाम पुरुष इस व्रत को रखते हैं, और इस दौरान अपनी संतान को दीर्घायु होने की कामना भगवान सूर्यदेव और उनकी बहन छठी से करते हैं। मैं रेशु त्यागी, कैमरा पर्सन अमन के साथ, नोएडा, APN न्यूज़।